बैक टू माई चैनल. मेरा नाम है गौरांग और आपका इस नए एपिसोड में वेलकम है. और आज के इस एपिसोड में हम लोग जा रहे हैं बनारस घूमने के लिए और मेरे साथ मेरा फ्रेंड है रौनक. और अभी हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग जस्ट मुगल सराय पे उतरे हैं और मुगल सराय से हमने ऑटो किया और जा रहे हैं बनारस की तरफ. अभी मैं जा रहा हूँ विश्वनाथ टेम्पल जो कि है BHU कैंपस में, तो चलते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है. और मैं सुना हूँ कि वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सीन है, वहाँ पे कैमरा ले जाना अंदर अलाउड है, तो फिर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि हम लोग फुटेज कवर कर पाएंगे. तो फिर चलते हैं. सो काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद अभी फाइनली मैं पहुँच गया हूँ BHU के कैंपस के अंदर. और कैंपस बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको. यहाँ की जो सड़कें हैं बहुत ही सही हैं और यहाँ का जो कैंपस है बहुत ही साफ़ सुथरा है. मैं फिर से रिपीट किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो कि ग्रीनरी बहुत है और रोड बहुत मेंटेन है. तो मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे. इस पार्क का नाम है मधुवन पार्क. आप अगर आप BHU के कैंपस में हो या फिर VT जा रहे हो तो आप इस पार्क में ज़रूर आएँ, विज़िट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी है, घास है, बहुत बहुत मज़ा आएगा, फ्रेश मिलेगा. अभी तो शाम के 5 बज रहे हैं तो कोई खास ठंडा नहीं यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप अगर आप शाम में आते हो 6 या 7 बजे करीब तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडक मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा. अभी हमने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करा था तो मैंने अभी फुटेज में डाला था जो कि मैंने डॉक्यूमेंट्री टाइप का बनाया था, तो उसमें मैंने इसका डाल दिया था. तो अभी हम लोग कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कोल्ड कॉफ़ी है. अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी एंट्री गेट पर हूँ विश्वनाथ टेम्पल के, और ये आप देख सकते हैं आगे से कितना खूबसूरत लगता है ये मंदिर. मैं कोशिश करूंगा कि अंदर भी जाकर फुटेज दिखा पाऊं आप लोगों को. तो फिलहाल तो मैं अभी अंदर जा रहा हूं. ज़मीन बहुत ही गर्म है, हमारा चप्पल बाहर खुलवा दिया गया है तो हम लोग खाली पैर अभी चल रहे हैं आगे. और फिलहाल गर्मी बहुत है यहां पे. और आप ये देखिए कितना आलीशान और कितना सुंदर बिल्डिंग है यहाँ का. इधर अगल बगल आपको पार्क देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, बहुत ही शानदार. यहाँ पे गार्डनिंग की गई है बहुत ही सुंदर तरीके से. और यहाँ पे कृपया जूता चप्पल यहाँ ना रखें. से आगे चलते हैं हम लोग. सो फाइनली वी आर इन, आप देख सकते हैं मेरे सामने अभी शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर पूजा चल रहा है. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहाँ की फुटेज दिखा सकूँ आपको. ये देखिए साफ बहुत ही सुंदर मंदिर देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है विश्वनाथ टेम्पल. और ये देखिए आप, अगल बगल और भी मंदिर हैं तो मैं आपको वहाँ भी ले चलता हूँ. सामने है पंचमुख मंदिर, बहुत ही शानदार टूरिस्ट प्लेस है. या फिर आप खुद से भी एंटरटेन होना चाहते हैं या फिर घूमना चाहते हैं और पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आए, बेझिझक आए, बहुत ही मज़ा आ रहा है. अभी फिलहाल मैं इस मंदिर के ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहा हूँ, वहाँ पर देखता हूँ क्या खास है देखने के लिए. और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको भी ऊपर की फुटेज दिखा सकूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए. मैं ऊपर अभी जस्ट पहुंच चुका हूं तो आप देख सकते हैं यहां का नज़ारा नीचे से कितना सुंदर है और कितना आलीशान टाइप का लग रहा है. आप देखिए ध्यान से और यहां की सीलिंग देखिए आप, मैं आपको सीलिंग दिखाता हूं, सीलिंग कितना शानदार है. सामने मेरे हिसाब से शंकर जी का एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, जय शंकर जी की. और नीचे देखिए आप कितना शानदार नीचे का नज़ारा है, यहाँ से ये सारा देख सकते हैं आप. और भी मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ से. अगर आप बाहर जाएंगे तो जैसे आपको बाहर जाने का भी ऑप्शन मिलेगा और आपको बाहर जाके कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही सुंदर है. आप देख सकते हैं यहाँ पे. और ऊपर से अगर आप नीचे का नज़ारा देखना चाहेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा जो कि बहुत ही सुंदर है. मैं पर्सनली एडमायर करता हूँ इस प्लेस को क्योंकि मेरे को यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है. और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर बनारस हैं तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली आएँ और आके घूमें फिरें, मज़ा करें, दर्शन करें. थोड़ी देर बाद मेरे को जाना है 80 घाट की आरती में, तो 80 घाट की आरती में जाऊँगा. मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि 80 घाट की भी आरती दिखा दूँ. सो गाइज़ ये दूसरे पोर्शन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ की जो लोकेशन है मैं आपको दूसरे पोर्शन से दिखा रहा हूँ. आप ये देखिए इधर से भी कितना ज़्यादा ये मंदिर खूबसूरत लगता है, आप देख सकते हैं यहाँ से. और यहाँ से भी आप नीचे का नज़ारा भी देख सकते हैं. तो ये दूसरा साइड है इस मंदिर का, मैं पहले उस दूसरे साइड था, अब ये दूसरे साइड आया हूँ.
तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर ये है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे आएँ, मज़ा करें, आशीर्वाद लें और एक सुहाना मेमोरी बना लें। तो वो गेट दिख रहा है आपको, वो है एंट्री गेट जहाँ से हमने एंट्री करा था, और अभी हमने है यहाँ के टॉप फ्लोर पे। तो आप ये एंट्री गेट देख सकते हो, आप देख सकते हैं कितना ही आलिशान मंदिर और कितना ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है ये। सो गाइस, वी आर फाइनली ऑन द वे टू द सी घाट। आप देख सकते हैं यहाँ की ट्रैफिक, कुछ सिचुएशन है ट्रैफिक का यहाँ का। अभी पिक आवर होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में आरती होने वाला है, तो चलते हैं आरती के स्थल। मैं पहुँच चुका हूँ उसी घाट पे। आप देख सकते हैं यहाँ की रौनक और चमक दमक देख सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ। सुबह बनारस करके यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है। आप by the pleasure I am getting here। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो सराउंडिंग है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ। तो आप मेरे पीछे सारा क्राउड देख सकते हैं, इस हद तक का क्राउड है, और मेरे पीछे कुछ प्रोग्राम चल रहा ज़रूर है। आप वो भी ध्यान से देखें और यहाँ का सारा लोकेलिटी देखें। मैं चाहूँगा कि अभी मैं बोटिंग कर पाऊँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बोटिंग कर पाऊँ, और मैं आपको आरती का भी फुटेज दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो वीडियो में बने रहें। सो अभी मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊपर हाइट पे चढ़ा हूँ उसी घाट के, और मैं अब दिखाता हूँ यहाँ पे आरती होने वाला है। यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे आरती होगा कुछ देर में, तो मैं आरती का भी फुटेज लूँगा। पॉसिबल हो चुका है यहाँ पे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे नाव मेरे को दिखा था। तो और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। देखिए अभी मैं बहुत पीछे आया उसी घाट पे, ये तुलसी घाट नाम से जाना जाता है ये घाट। अस्सी घाट मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, जहाँ वो लाइटनिंग जल है ना, ये वाले जहाँ पे छाते टाइप के छाते स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, वहाँ पे आपको मेन अस्सी घाट का मेन आरती वहीं पे होने वाला है। तो थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पे चलेंगे, आप ऑलरेडी देख सकते हैं। अभी आरती जस्ट शुरू होने वाली है, तो आप देख सकते हैं सारा कितना सारा क्राउड भर गया है यहाँ पे आरती के लिए। और यहाँ पे हमारे पांच पंडित की आरती करेंगे। अभी मेरी आवाज़ शायद कट रही होगी, क्योंकि यहाँ पे लाउड स्पीकर में आरती बजने वाली है थोड़ी देर में। अभी पूजा अर्चना शुरू होने वाला है, तो करते हैं आरती का वेट, और आरती होता है तो मैं आपको सारा फुटेज दिखाता हूँ। मोमेंट का हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो मोमेंट फाइनली आ चुका है, आरती शुरू हो चुकी है, तो मैं आपको आरती का फुटेज दिखाता हूँ। मेरे सामने शिप देख रहे हैं, ये है नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा ये शुरुआत किया गया है वाराणसी में। ये प्रॉपरली दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसा रात में दिखता है जो कि बहुत ही सुंदर। तो इस करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे खत्म। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं वाराणसी प्रॉपरली घूम पाऊँ, मेरे को उतना टाइम नहीं मिला कि मैं पूरा प्रॉपरली घूम पाऊँ, लेकिन जितना भी मैंने कोशिश करा घूमने का, मैंने उतना पूरा कोशिश करा कि मैं कैप्चर कर पाऊँ एक एक मोमेंट जो आप लोगों को बेहतरीन लगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।